अच्छा आज हमारी एक्सरसाइज है 3.2 है। थ्री पॉइंट टू में पहले हम ये देखेंगे हमारा जो है डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स जो वेरिएशन, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है ना, उसमें ये होता है कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो वाई की वैल्यू भी उसी नस्बत के साथ बढ़ेगी, ठीक है। और अगर इनवर्स में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू जो है वो उसी नस्बत के साथ, उसी रेशियो के साथ कम होगी। तो ये जो हमारा हिस्सा होगा ये हमारा डायरेक्ट होगा प्रोपोर्शन, और ये जो हमारा होगा ये इनवर्स होगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर वन है इफ वाई वेरीज डायरेक्टली डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 है। उसने हमें दे दिया है वाई की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू हमारे पास 8 है और एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, और साथ में वो कह रहा है वाई इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि जो वाई है वो कैरीज है एक्स के, ठीक है। और जब हमने इसको खत्म करना है तो हम कांस्टेंट का साइन लाजमी लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है और के एज इट इज आएगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो के इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4, ठीक है। अब वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 है, क्या जी? एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि वो कह रहा है कि वाई को फाइंड करें जब आपके पास एक्स इज इक्वल टू 5 है। हम इसी इक्वेशन से उसको हल करेंगे, इसको इक्वेशन का नाम 1 दे दिया। ये मेरे पास है y इज इक्वल टू के एक्स एंड अच्छा जी इसमें वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू, y हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू मैंने अभी निकाली, ये 4 है मल्टीप्लाई क्या है जी x है, ये 5 आ जाएगा, 4 5 20, ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है x When y is equal to 28, x y is equal to 28. So from equation 1, हमारे पास equation 1 है y is equal to k x. तो y हमारे पास कितना है? 20 है, k हमारे पास कितना है? 4 है, और x को हमने find करना है, ठीक है जी? नहीं, इधर वाई की वैल्यू मेरे पास 28 है, उसने गिवन की है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो रहा, तो ये 2 2 4 2 1 2 2 4 8 2 7, तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 7 है। तो आपके तीनों पार्ट कर लेंगे। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है इफ वाई वेरीज, वाई जो है वो वेरीज है एक्स के एंड वाई इज इक्वल टू 7 है और एक्स इज इक्वल टू 3 है, फाइंड करें व्हेन वाई इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो ये वही पिछले जो क्वेश्चन है उसकी हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है।
इस वेरीज को हम खत्म करेंगे, कांस्टेंट आएगा, तो वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, सेवन है, ये एज इट इज आएगा और ये थ्री आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाता है, डिवाइड हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगी ए की वैल्यू सेवन ओवर थ्री। अब इसका जो सेकंड है पार्ट, उसमें वो कहते हैं एक्स को फाइंड करें जब वाई इज इक्वल टू हो आपके पास 35, और कह रहा है कि वाई को फाइंड करें जब आपके पास हो एक्स की वैल्यू 18, ठीक है जी। तो इसमें हम इसको इक्वेशन नंबर एक का नाम दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू के एक्स, वाई की वैल्यू है 35, k मैंने अभी निकाला है 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई x, ये इधर जब जाएगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर डिवाइड होगा तो इसकी जो साइड है वो चेंज हो जाएगी, 3 ओवर 7 ये 5, ये मेरे पास आ जाएगा 15, x इज इक्वल टू 15, ये x की वैल्यू आ गई। अब इधर फिर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, y की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड करनी है, k की वैल्यू मेरे पास है 7 ओवर 3 और x की वैल्यू इसने दी है 18, 3 6 18, 7 मल्टीप्लाई 6, ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2।